इंटेल में जितने भी 61 का सीरीज का मदरबोर्ड है, उनमें से अगर बोर्ड में कहीं भी प्रॉब्लम ना मिले और बोर्ड जो है आपका बिल्कुल सही है, सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है जो बीजीए पोर्ट से अगर बीजीए आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इसका एक मतलब अच्छा सा जुगाड़ है, दिखाता हूँ। और जुगाड़ के बिना आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर बीजीए पोर्ट में ही दिक्कत है, बीजीए पोर्ट रिलेटेड ही प्रॉब्लम है बोर्ड में, तो आपको जो कंपोनेंट के थ्रू ये वोल्टेज को पास होता है, मतलब बीजी आउट होता है, वो कंपोनेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कोई प्रोटेक्शन की तरह है, प्रोटेक्शन है बट प्रोटेक्शन की तरह रहता नहीं है। तो इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, इसका एक जुगाड़ बताता हूँ और सिखा भी देता हूँ। कभी भी अगर इंटेल का 61 सीरीज़ में, कोई भी सीरीज़ हो 61 का, अगर ऐसा प्रॉब्लम में पड़ो, अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस करो, तो एक छोटा सा बाईपास दिखाता हूँ जो देख के आपको बहुत ही काम आने वाला है आगे जाके। तो अभी हमारे पास जो है एक इंटेल का H61BF सीरीज़ का ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में तो कोई भी इशू नहीं है, फिलहाल चल रहा है। और मैं टिगर भी देता हूँ, ये टिगर दे दिया, वो सॉरी वीएम सेक्शन का पावर मैंने रिमूव करके रखा था, वो नहीं डालेंगे तो बोर्ड ऑन नहीं होगा, डाल दिया। अब दोबारा हम टिगर देंगे इसको, तो बोर्ड हमारा ये देखो चलना चालू और स्टार्ट हो गया। और इसको मैं कीबोर्ड पे भी दिखा दूं, अभी भी आया नहीं, क्या चल रहा है? अभी भी डिस्प्ले आया नहीं, एक सेकेंड, ये कीबोर्ड कहाँ अटक गया? ये देखो, तो थोड़ा लेट आ गया पर डिस्प्ले आ गया। ये देखो कीबोर्ड पे हमारा डिस्प्ले आ चुका है, जो कि कीबोर्ड हमारा यहाँ पर इंसर्टेड है। बीजीए भी मैंने इंसर्ट करके रखा है, पर देखो बीजीए में हमारा मॉनिटर कनेक्ट करके मैंने रखा है ऑलरेडी, तो मॉनिटर पे कोई भी चेंजेस नहीं है, ना तो थोड़ा सा भी लाइट आ रहा है, ना तो कोई भी लाइट आ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पर कीबोर्ड पे हमारा क्या है, ये देखो हमारा ये आ चुका है, ये कीबोर्ड मैंने डाल के रखा है, तो बीजीए पोर्ट से ही बीजीए आउट नहीं हो रहा है। अभी क्या करें, तो पहले थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं, उसके बाद हम माइक्रोस्कोप पे बारी बारी से दिखाएंगे, ताकि सीखने में आसान रहे और आप इजीली समझ जाओ जो भी देख रहे हो वीडियो को, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम में ना पड़ो। अभी देखो, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट होता है जिसको आप रिमूव कर दोगे तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा, अगर रिप्लेस कर दोगे तो भी कभी कभार डिस्प्ले नहीं आएगा, अगर सेम बोर्ड से आप कलेक्ट करके लगाते हो तो आएगा, अदरवाइज़ कोई दूसरा बोर्ड, एचपी का बोर्ड, लेनोवो का बोर्ड से आप सेम दिखने वाला कंपोनेंट अगर आप लगाते हो तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा, ये मैच नहीं करता है। तो देखो अभी मैं क्या दिखाता हूँ यहाँ पर, क्या क्या मैं माइक्रो पे दिखा दूंगा। ये देखो ये है हमारा बोर्ड, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, और हमको करना है ये जो प्रोटेक्शन है इसको एक नंबर पिन से तीन नंबर पिन, सॉरी एक नंबर पिन से तीन नंबर पिन में मुझे एक वोल्टेज देना है, और कितना वोल्टेज मैं इनपुट कर रहा हूँ वो मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, ये देखो डिस्प्ले आ गया, बस मैंने लगाया, से छोड़ दूंगा चला जाएगा, छोड़ दिया चला गया। अब मैंने क्या ऐसा किया वो ही बस डिटेल्स में देखना है, मैंने ऐसा क्या किया, तो डिस्प्ले फिर चला गया आके, ठीक है? तो कीबोर्ड पे हमारा देखो डिस्प्ले है, अभी हम डिटेल्स में जाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और डिटेल्स में जाते हैं। तो डिटेल्स में जाने से पहले मैं थोड़ा सा दिखा दूं, हमारा जो इंटेल का मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट रहता है वो कुछ इस तरह सा होता है, ऐसा टाइप का देखने वाला एक कंपोनेंट आपको मिलेगा, ठीक है? यहाँ से एक और दो पिन निकलेगा, और इधर से एक दो तीन पिन निकलेगा, ठीक है? यहाँ इधर से तीन पिन निकलेगा, ये होगा एक नंबर में भी, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर पिन, ठीक है? तो क्या करना है, ऐसे ही रहेगा, अगर बीजीए पोर्ट हमारा यहाँ पर है तो ये जो कंपोनेंट है हमारा ऐसे ही बैठ के रहेगा, ठीक है? ऐसे कुछ ऐसा ही होगा, बोर्ड में भी आप देख सकते हो, मदरबोर्ड में, मैं बाद में माइक्रो पे दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें जो मिल रहा है वोल्टेज मिसिंग हो रहा है, यहाँ का एक वोल्टेज है जो इधर से यहाँ तक लाना है, अगर ये वोल्टेज को मैं यहाँ तक ला दूँ तो हमारा डिस्प्ले आउट हो जाएगा, ठीक है?
और अदरवाइज आप इस कंपोनेंट को हटा देते हो तो यहाँ का जो वोल्टेज है यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, इस केस में भी डिस्प्ले नहीं आएगा। अगर कुछ अनदर कंपोनेंट लगाते हो सेम ना लगा के तो भी उसका कुछ डायग्राम अलग हो जाता है, तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ आने के वजह से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो भी काम नहीं बनेगा। तो सेम या तो सेम लगाना पड़ेगा या फिर बाईपास करना पड़ेगा, रिमूव करके कोई सोल्यूशन नहीं बनने वाला है। तो देखो अभी हम बोर्ड पर चला जाते हैं, बोर्ड पे चला जाएंगे तो वोल्टेज लेवल को थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप पे जाएंगे। तो ये मैं सारा डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और बोर्ड पे जाता हूँ। तो देखो बोर्ड पे अगर हम जाए तो अभी ठीक से देखो अच्छे से, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। बोर्ड में अगर हम जाए तो ये जो दो कंपोनेंट दिख रहा हो, ये इधर में 3 लेग है और इधर में 2 लेग है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट होता है, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम निकालूंगा तो इजीली हो जाएगा कौन सा एक नंबर पिन है। तो अभी करना क्या है, जो हम लोग करते हैं, बहुत बोर्ड आते हैं ऐसा सेम प्रॉब्लम के साथ ही आते हैं, तो हम करते क्या है, क्योंकि ये कंपोनेंट तो अवेलेबल नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों कंपोनेंट में से एक ना एक कंपोनेंट खराब आता है, ठीक है। तो कौन सा खराब आता है ये आपको बस चेक करना है। वो चेक करने के लिए क्या करना होगा, फिर से मुझे बोर्ड को चलाना होगा और मल्टीमीटर पर जाना होगा। ओके तो मैं फिर से बोर्ड को ऑन कर दूँ, अभी दूर से देखना पड़ेगा, पास से मैं माइक्रो पे जाके दिखा दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दूर से देखो क्योंकि नहीं तो मैं वोल्टेज मल्टीमीटर डिस्प्ले पे मेरा नहीं आएगा कैप्चर पे। तो ये हमने ऑन कर दिया, सॉरी कहाँ गया, कहाँ गया फोन पैनल, ओ इधर ये ऑन कर दिया। तो अभी डिस्प्ले इसका क्यों नहीं आ रहा है, मल्टीमीटर भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। अब दोनों क्लियर दिख रहा है, तो देखो एक ग्राउंड कर दिया। तो पहले आपको ये एक नंबर पिन चेक कर लेना है, फास्ट वाला एक नंबर पिन पे देखो 4.447 वोल्ट है, दो नंबर पिन पे 5 वोल्ट है और एक सेकेंड ये रहा है, क्यों नहीं रहा है, अब दिख रहा है। और इसका तीन नंबर पिन पे 2.91 वोल्टेज है, चार नंबर पिन पे भी 2.91 है, पांच नंबर पिन ग्राउंड है इसका, ठीक है। तो इस सेकेंड वाला मॉस्फेट क्यों फॉल्टी है ये आपको ऐसे ही देख के पता लगाना पड़ेगा। सेकेंड वाला मॉस्फेट का एक नंबर पिन पे 5 वोल्ट है, दो नंबर पिन पे 5 वोल्ट है, अभी इसका तीन नंबर पिन पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए, तो जो कि यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, देखो 0.01। यहाँ पर अगर मैं एक 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक ला दूँ तो चल जाएगा, चार नंबर पिन पे 0, पाँच नंबर पिन तो इसका ग्राउंड है, तो बस ये जो 5 वोल्ट है मुझे यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो कहाँ से कहाँ तक लाना है और भी मैं पास से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा होल्ड करो। तो देख सकते हो ये हमारा कंपोनेंट है जो कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये वाला कंपोनेंट खराब हुआ है, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट सही है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो कंपोनेंट अभी है हमारे पास, ये कंपोनेंट का यहाँ पर हमें 5 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट बाईपास करके मुझे बस यहाँ पर लाना है, ये 5 वोल्ट यहाँ पर लाना है, यहाँ से एक बाईपास करो, जंपरिंग वायर लगाओ, यहाँ तक डाल दो, कंपोनेंट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बाईपास करो, एक वोल्टेज जंपर वायर लो, यहाँ से कनेक्ट करो और यहाँ तक कनेक्ट कर दो, ठीक है, यहाँ तक कनेक्ट कर दो, तो आपका बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा जो कि मैंने ट्विजर लगा के दिखाया। तो बोर्ड में अगर हम देखें तो एक सेकेंड, यहाँ से मतलब यहाँ तक एक बाईपास करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं डिस्प्ले इसका दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि सच में है कि नहीं डिस्प्ले। तो देखो ऐसे ही बोर्ड को रखते हैं और बीजीए में लगाता हूँ, उससे पहले मेरा जो मॉनिटर है उसको मोड चेंज करना पड़ेगा, अभी माइक्रोस्कोप पे है। तो ये देखो ये बीजीए मैंने डाला और बोर्ड में पावर डाला और ट्रिगर दे दिया, ठीक है। और कीबोर्ड का कनेक्शन कहाँ है ये मैंने खोल दिया था, ये फिर से मैं लगा रहा हूँ कीबोर्ड का कनेक्शन ताकि कीबोर्ड पे डिस्प्ले आने के बाद हम देखेंगे। ये देखो कीबोर्ड पे आ चुका है, कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है और मॉनिटर पे हमारा कुछ भी रिस्पांस नहीं है, ठीक है, कुछ भी रिस्पांस नहीं है। अभी मैं अगर एक ट्विजर लूँगा और एक नंबर पिन और तीन नंबर पिन को मैं अगर शॉर्ट कर दूँगा तो
हमारा जो बोर्ड पर डिस्प्ले है वो आ जाएगा, ये देखो। ये देखो आ गया, ये छूट गया मेरे हाथ से, इसलिए ये देखो फिर से लगाया, ये आ गया। ठीक है, तो ये मैं छोड़ दिया, ये देखो डिस्प्ले चला गया। तो यही एक छोटा सा फंडा है यहाँ पर, ये जो कंपोनेंट है आप इसे रिप्लेस करो या फिर बाईपास करो, अदरवाइज रिमूव करके कोई काम नहीं बनेगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि इंटेल को बोर्ड 61 सीरीज का बोर्ड लेके बहुत सारा लोग ये वीजीए वाला केस लेके सफरिंग करते हो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता है। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, गीगाबाइट या फिर अदर मदरबोर्ड में जो यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है उसके वजह से अगर डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है कुछ, हम डायरेक्टली रिमूव कर देते तो सॉल्व हो जाता है, पर इंटेल का बोर्ड में ऐसा कुछ लोचा है कि आप रिमूव कर दोगे तो नहीं होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक करके जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।